Now you're watching a Safety Musical Live. Please subscribe us and press the bell icon. हम आगे आ जाते हैं मात्रा पे। इसकी परिभाषा भी सुन लीजिए। संगीत में समय नापने के लिए ताल और ताल नापने के लिए मात्राएं बनाई गई हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हैं, ये मात्राएं दर्शाने का साइन है। और उनके नीचे जो बोल लिखे हैं, धा गे न, कैरवा ताल के बोल हैं ये, धा गे न ती न क धीन, ये इसका ठेका है, ताल कैरवा का बोल है। एक के नीचे आपको क्रास दिख रहा है, ये सम है। पाँच के नीचे जीरो दिख रहा है, ये खाली का साइन है, खाली का निशान है। किसी भी ताल की शुरुआत पहली मात्रा को सम कहा जाता है। सम दर्शाने के लिए क्रास लगाया जाता है और खाली दर्शाने के लिए जीरो का निशान बनाया जाता है। ठेका की परिभाषा है। ठेका किसे कहते हैं? हर ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं जिसे उस ताल का ठेका कहते हैं। जैसे ताल दादरा में धा धी ना धा ती ना, अब ये धा धी ना धा ती ना, ये इसका ठेका कहलाएगा। विभाग, विभाग कहते हैं भाग, विभाग भाग टुकड़ा पार्ट। जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ताल कैरवा लिखी हुई है और चौथी मात्रा के बाद में एक लाइन खींची है, और जिसकी वजह से आपको ताल के दो भाग दिख रहे हैं। 1 से लेकर 4 तक एक भाग धागे ना ती, और 5 से लेकर 8 तक न क धी न, ये दो विभाग दर्शा दिए हमने। ताली, किसी भी ताल के विभाग की पहली मात्रा पर ताली या खाली होता है। जब हाथ से ताल देते वक्त ताली बजाई जाए तो उसे ताली कहते हैं, और जिस मात्रा पर हो उस पर इस तरह से दर्शाते हैं, जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैंने 3 ताल लिखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस ताल में 1 5 13 पर ताली और 9 पर खाली दर्शाया गया है। आप ध्यान से देखिए, ठीक 5 के नीचे 2 लिखा हुआ है, 9 के नीचे 0, 13 के नीचे 3, है ना, ये आप ध्यान से देखिए। खाली, किसी भी ताल के विभाग की पहली मात्रा पर ताली या खाली होता है। जब हाथ से ताल देते वक्त ताली बजाई जाए तो ताली, और ताली की बजाय हाथ को एक और मोड़ दिया जाए तो उसे खाली कहा जाता है। ताली और खाली दर्शाने के लिए मैंने आपको निशान बता दिए। प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ। 3 ताल की ताली खाली मैं आपको लगा के बता रहा हूँ। ताली की और खाली की डेफिनेशन परिभाषा एक सी है कि हाथ से ताल देते वक्त जब ताली बजाई जाए, ताली आए, तो उसे ताली, और हाथ को एक तरफ इस तरीके से मोड़ दिया जाए इस तरीके से, तो उसे खाली कहा जाता है। देखिए 3 ताल का मैं 3 ताल की ताली और खाली लगा के बता रहा हूँ मैं आपको। ये 4 विभाग हैं, 4 विभाग होते हैं 3 ताल में, 1 विभाग 2 विभाग 3 और ये 4 विभाग। देखिए धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा धा। सम से ही, यानी कि पहली मात्रा से ही शुरू करते हैं और पहली मात्रा पे ही ख़त्म करते हैं ताली खाली, जब हम किसी ताल की लगाते हैं। जब आपने देखा होगा, मैंने जब खाली, जो 9वीं मात्रा पे हमारा जीरो का निशान दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो वो मात्रा आई जब 2 विभाग कंप्लीट करने के बाद इस वाले विभाग पे जब आया खाली, तो उसको मैंने इस तरीके से किया। ये मतलब ये हो गया खाली, और 9वीं मात्रा पे खाली दर्शाया भी गया। फिर से देख लीजिए, जहाँ ताली पड़े वहाँ ताली, और जहाँ खाली आए इस, जहाँ इस तरीके से हो वहाँ खाली। धा दिन दिन, धा धा दिन दिन, धा धा तिन तिन, ता ता धिन धिन, धा धा। आप इस वीडियो को बार बार देख कर भी आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक या नए सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।